नमस्कार दोस्तों, सोचिए अगर कहीं धांधली चल रही हो और वहाँ पर आपको पता नहीं हो कि कोई ऑफिसर आया है आम इंसान बनके और लगातार वो धांधली आप कर रहे हैं, और अचानक से आपको पता चले कि घूंघट की आड़ में जो महिला या पुरुष आया है वो कोई आम महिला नहीं बल्कि एक ऑफिसर है, तो आपका रिएक्शन कैसा ही होगा। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के फिरोजाबाद में। स्वास्थ्य केंद्र पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि घूंघट की आड़ में जो महिला इलाज कराने आई है वो एक आम महिला नहीं बल्कि जिले की एसडीएम है। सोचिए जरा क्या हाल रहा होगा उनका, क्योंकि वहाँ पर धांधली चल रही थी। वहाँ पर पहले एक महिला गई थी इलाज करवाने, उसको कुत्ते का इंजेक्शन लगवाना था लेकिन वहाँ पर उसका इलाज नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे कंप्लेन आ रहे थे, लगातार ऐसी तमाम कंप्लेन आ रही थी स्वास्थ्य समस्या को लेकर, दवाइयों को लेकर। तब जिले की एसडीएम कृति राज ने सोचा कि क्यों ना इसका पता खुद ही लगाया जाए, जमीनी स्तर पर जांच की जाए, हकीकत का पता लगाया जाए। और वो घूंघट ओढ़कर वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र पहुँची, और जब स्वास्थ्य केंद्र पहुँची तो जो नज़ारा उनकी आंखों के सामने आया मानो उसने सबके होश उड़ा कर रख दी। पहले तो स्वास्थ्य कर्मचारियों को पता नहीं था कि जिस महिला का वो इलाज कर रहे हैं, जिस महिला के साथ वो ऐसे पेश आ रहे हैं, वो जिले के एसडीएम हैं। जब उनको पता चला तो उनके पैरों तले तो ज़मीन खिसकी ही खिसकी, लेकिन जो नज़ारा एसडीएम ने देखा वो भी कुछ कम नहीं था। जहाँ पर दवाइयाँ रखी रहती हैं, जब वो दवाइयों का जांच करने गई, जब दवाइयों को देखने गई तो पता चला कि बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं। बहुत सारी जो दवाइयाँ थी वो लो क्वालिटी की थी, मरीजों का इलाज ना अच्छे से हो रहा है, ना डॉक्टर उनसे अच्छे से बातचीत करते हैं, ना उनसे अच्छे से दवाइयाँ देते हैं, और तो और कई सारे मरीजों को एक्सपायर दवाइयाँ तक दी जाती हैं। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। हालांकि इस मामले में एसडीएम ने तो एक्शन ले लिया है, जांच पड़ताल की बात भी कही है, लेकिन सोचिए जरा फिरोजाबाद में तो एसडीएम चली गई, जांच पड़ताल कर लिया। ऐसे ना जाने कितनी जगह हैं, ऐसे कितने जिले हैं, ऐसे कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर ऐसी चीज़ें लगातार हो रही हैं, हर रोज हो रही हैं, उनका क्या। सरकारी स्वास्थ्य सेवा केंद्र जो है वहाँ पर ज़्यादातर लोग वही जाते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। उनको आप जो भी दवाइयाँ दे देंगे वो डॉक्टर को भगवान मानते हैं और उस भगवान पर यकीन करके उन दवाइयों को वो खा लेते हैं। ऐसे में अगर जो भगवान है वही हैवान बन जाए तो ऐसे लोगों का क्या करेंगे आप, ऐसे लोगों का फिर क्या होगा, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप। अगर मरीजों की परेशानी को डॉक्टर ही सही से नहीं सुनेगा, अगर मरीजों की समस्या को डॉक्टर ही नहीं सही से दूर करेगा, नहीं सुनेगा, सही दवाइयाँ नहीं देगा, तो मरीज क्या करेगा बेचारा। चलिए फिरोजाबाद में तो एसडीएम कृति राज पहुँच गई, उन्होंने जांच पड़ताल कर ली, उन्होंने आम इंसान बन के वहाँ पर गई और बाकायदा ज़मीनी स्तर पर उन्होंने परीक्षण किया। पता चला कि यहाँ पर बहुत सारी खामियाँ हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं। लेकिन और जो ज़िले हैं फिरोजाबाद के अलावा, जो और भी बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें चल रही हैं, लगातार चल रही होंगी, बहुत सारी जगहों पर पकड़े जाते हैं, उन जगहों का क्या लगता है। वैसे इस मामले में सरकार को क्या करना चाहिए। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी कमेटी गठित करनी चाहिए या फिर सरकार को इस मामले में एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए या हर जिले पर एक ऐसा ही औचक निरीक्षण करना चाहिए जिससे कि जहां भी ऐसी धांधली हो रही है वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें व्यवस्था कर दी जाए कुछ ना कुछ, ताकि मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो, डॉक्टर उनकी बात सुने। ज़्यादातर जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ऐसे जगहों पर जाते हैं, उन्हें डॉक्टर जो भी दवाइयाँ पकड़ाएगा वो ले लेंगे, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उनको बीमारी कुछ और रहती है और डॉक्टर दवाई कुछ और दे देता है जिससे उनको और भी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ तो सरकार को करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी कमेटी गठित करनी चाहिए जैसे कि आने वाले दिनों में ऐसे लोगों को समस्या ना हो और लोग ऐसी किसी भी धांधली का शिकार होने से बचें।